आगे निकाल के मेरे से बात करेंगे। फैल रहा है कोरोना, कोरोना फैल रहा है, लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, वो कोरोना का टेस्ट नहीं करवाते हैं। लॉकडाउन था, कोरोना का समय था, मैंने कहा नहीं, मैं बिहार के मजदूरों से जाकर मिलना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के मजदूरों से मिलना चाहता हूँ, मैं जाके बैठा सड़क पर बैठा, आपने देखा होगा, मैंने उनसे पूछा भैया बताओ क्या हुआ। मजदूर कहते हैं हमें एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या? कहते हैं इस प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करना था तो ठीक है कर देता, मगर इसने हमें 2-3 दिन क्यों नहीं दिए? अगर ये हमें 2 दिन दे देते लॉकडाउन हो जाता, हम ट्रेन पकड़ के बिहार आ जाते, हम बस में बैठ के आ जाते। उन्होंने मुझसे पूछा राहुल जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन किया उन्होंने 8 बजे रात को झटके से क्यों किया, बिना वार्निंग दिए क्यों किया? क्यों? नोटबंदी और लॉकडाउन का एक ही लक्ष्य था, जो हमारे छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनके धंधे को नष्ट करने का लक्ष्य था। लाखों करोड़ रुपए सबसे अमीर 5-6 बिजनेस वालों का कर्जा माफ किया, उनके टैक्स की छूट दे दी। कांग्रेस पार्टी दिन भर चिल्ला रही थी कि भैया किसानों का कर्जा माफ करो, छोटे व्यापारियों की मदद करो, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की मदद करो। मोदी जी कहते नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? और ये जो सारे के सारे दुकानदार थे, छोटे मिडिल साइज बिजनेस वाले थे, ये सब खत्म हो गए, नष्ट हो गए, इनका धंधा खत्म हो गया है। ये जो है किसान जो है, मजदूर जो है, छोटे दुकानदार जो है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, यही रोजगार दिलवाते हैं, और इनकी रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी। और बिहार में यह काम बहुत पहले शुरू हो गया था, 2006 में जो आपकी रीढ़ की हड्डी थी, जो आपके खेती का सिस्टम था, एमएसपी का सिस्टम था, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया। तो आज ये हालत है कि बिहार को छोड़िए पूरे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं 22 दिन की लड़ाई है, कभी कहते हैं भैया कोरोना आया है मोबाइल फोन की बत्ती जलाओ, कभी कहते हैं भैया थैले पकड़ो थैले बजाओ, मगर हमारा किसान भूखे कैसे मर रहा है उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं कहते? जो यहां लाखों युवा है जिनका भविष्य उनके आंखों के सामने खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उनकी बात क्यों नहीं करते? जो छोटे दुकानदार है, जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-10 बड़े उद्योगपतियों का काम करते हैं। Hey,
एक्सेलेंट सर, बहुत मजा आ गया। पिक्चर ओके, बहुत अच्छा, बहुत। भैया अखिलेश को दे देना, अखिलेश को दे देना, वो गाड़ी में डाल देना। गाड़ी में इसमें नहीं जाएगा, अखिलेश जी के साथ गाड़ी में भेज। थैंक यू। चल रहा है वो। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में था। पहली बार दशहरा पे पंजाब में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को नहीं जलाया गया। देखा आपने, पहली बार नरेंद्र मोदी जी का पुतला दशहरा पर जलाएगी। मगर पंजाब के लोग बहुत होशियार हैं। एक तरफ उन्होंने अंबानी जी का चेहरा लगाया, दूसरी तरफ उन्होंने अदानी जी का चेहरा लगाया और बीच में उन्होंने नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाया। पंजाब ने कहा यह एक व्यक्ति नहीं है, ये एक शक्ति है और इस शक्ति के पीछे दूसरी शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां? एक तरफ अंबानी, दूसरी तरफ अदानी। क्यों? क्योंकि जो गरीबों का है तो ये लोग चाहते हैं। आपका पानी, आपकी बिजली, आपकी जमीन, आपका भविष्य ये लोग चाहते हैं और नरेंद्र मोदी आपका भविष्य इन लोगों को देते हैं। कोरोना आया, मतलब कौन सी दुनिया में है ये? बिहार के लाखों करोड़ों मजदूर, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई कर्नाटक से, भूखे प्यासे पैदल आ रहे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 22 दिन की लड़ाई है। किससे लड़ाई है? 22 दिन की लड़ाई उन्होंने मजदूरों से की। कोरोना से नहीं मरे, भूख से मर गए, प्यास से मर गए। हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा, नीतीश जी से कहा।
है।